गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप ले लो, छोटे से बड़े तक सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। चाहे TGT ले लो, PGT ले लो, और छोटे में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें भी जो है पूछे जाते हैं। ओके, आप जो है टेट ले लो, टेट में भी पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। इसमें हम लोग सारे इसके कंसेप्ट रूल को सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको नरेशन के प्रति कोई भी अगर डाउट आपके अंदर है, कोई भी दिक्कतें हैं जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो ये वीडियो देखने के बाद सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कभी नहीं भूलोगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करें, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, चलो हम पहले बात करते हैं कि नरेशन मीन क्या होता है। अगर कोई बात करे कि नरेशन मीन क्या होता है, तो आप बताओगे फ्रेंड्स, नरेशन मीन होता है कथन, स्टेटमेंट, या जो नरेशन का पार्ट वन है। और अगर बात करें नरेशन किसे कहते हैं, तो बताओगे नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, या टू से, या स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे नरेशन के टाइप्स, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे नरेशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, हम लोग इसको भी समझेंगे। अब देखेंगे डायरेक्ट मीन किसी, अब कोई अगर पूछे कि डायरेक्ट मीन क्या होता है, बताओ किसी वक्ता की कही हुई बात को उसी के अनुसार कह देना ही डायरेक्ट कहलाता है। यानी किसी वक्ता के कही हुई बात को उसी के अनुसार कह देना ही डायरेक्ट कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में एक बार समझें, किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, यानी जैसा उसने बोला है वैसा ही बोलना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, किसी वक्ता के कही हुई बात को अपने अनुसार कहना, घुमा फिरा के कहना, क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, अब बोलेंगे हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के प्रकार। अब डायरेक्ट स्पीच में हम ये देखेंगे कि क्या क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में, क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसको हम देखेंगे। देखो, जैसे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, राजन सेड टू मोनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड बॉय। देखो, राजन सेड टू मोनी, आई एम ए गुड बॉय। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो अब रिपोर्ट इसी को जो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को, स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि हम ये बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे इसमें। तो याद रखना, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, यदि देखो ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और जो कॉमा के बाहर वाला वर्ड होगा इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, या इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इसमें रिपोर्ट की जाती है, सूचना को दी जाती है, और इसमें सूचना का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, यानी कि सूचना को बताया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में सूचना को बताया जाता है और इसमें सूचना दी जाती है, यानी कि जो कॉमा इंटर कॉमा के बाहर वाला है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं।
या उसी को हम रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, और इधर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। आगे समझ में। अब इसके हम कुछ जनरल रूल्स देख लेते हैं, जनरल रूल्स में बात करते हैं। इसमें देखो जनरल रूल्स में हम लोग क्या क्या चेंजिंग करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यानी कि पर्सन कैसे चेंज होगा, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में है उसे इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे तो कैसे हम बनाएंगे, उसके बाद चेंज ऑफ अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो उसमें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया उसे हम कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, ये सारे रूल को देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे। आप अगर इसको देखते हैं तो कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन पहले इसका हम फार्मूला समझ लेते हैं, यानी कि सन अपान 123। चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले आपको मेन पॉइंट ये है कि इसको आपको समझ माना चाहिए, सन अपान 123 जो सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब में कंसीडर किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो 123 लिखा हो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच हमें देखना है, ये रिपोर्टेड स्पीच में हमको मिलेगा और ये सन रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस शॉर्ट फॉर्म में है, सन है क्या चीज़। देखो सन मीन होता है, एस मीन होता है सब्जेक्ट, ओ मीन होता है ऑब्जेक्ट, और एन मीन होता है नो चेंज। याद रखना, एस मीन सब्जेक्ट, ओ मीन ऑब्जेक्ट, एन मीन नो चेंज। आगे समझ में। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट उसमें मिलेगा हमको, ऑब्जेक्ट मिलेगा और नो चेंज हमको यही देखना है यहाँ पे। अभी मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब समझ में आएगा आपको। देखो पहले इसको लिखते जाना है, कॉपी पेन रख लो और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट जो रूल है पूरा लिख लेना, तभी जाके आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आएगा। और इतना छोटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, आपको बेहतर ढंग से समझना है और अच्छे से समझना है, ये हमेशा के लिए तुम्हें काम आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट मीन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड मीन सेकंड पर्सन, थ्री मीन, और थ्री मीन क्या होता है, थर्ड पर्सन, यानी कि वन मीन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, माई, मी, आवर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन में यू और योर, यू और योर क्या होता है, सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट, नेम, सिंगुलर नेम, दे, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। ओके वन मीन जो वन इसमें लिखा है तो वन मीन होता है फर्स्ट पर्सन, उसको जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और टू जो सेकंड होता है उसको सेकंड पर्सन को जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो थर्ड पर्सन अगर आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको नो चेंज करेंगे। देखो यहाँ लिखा है नो चेंज, एन मीन क्या होता है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, जैसा रहेगा वैसा ही लिख देंगे। जैसे एक आख एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कहा जाए राजन सेड टू मोनी, राजन सेड टू मोनी, कॉमेंटेड कॉमा, यू आर गुड गर्ल। राजन सेड टू मोनी, राजन ने मोनी से कहा तुम अच्छी लड़की हो, तुम क्या हो, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब हम इसका हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट अभी मैंने बताया था, जो सेकंड पर्सन देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा था एस ओ एन वन अपान हंड्रेड एस ओ सन अपान 123। तो जो अब देखो यू, हमको इसको ध्यान देना है, यू को ध्यान देना है। यू मतलब हमेशा आपको इधर वाले रिपोर्टेड स्पीच को ही ध्यान देना है। देखो रिपोर्टेड स्पीच में देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें देखना है, सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है।
अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो यानी कि जो ये स्टार्टिंग वाला होगा ये होगा सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट, और टू के बाद जो आता है ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होगा ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको जो है जो सेकंड पर्सन उसको ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है, मीन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट वाला वर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे अब इसको हम इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे और यहाँ पे जो है दूसरा देखेंगे, जो टेंस है टेंस को भी हम चेंज करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो जाएगा, अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में बदल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं बताऊँगा और रूल लिखाऊँगा, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे राजन है तो राजन को हम राजन लिख लेंगे, राजन हो गया, और यहाँ पे सेड और टू के स्थान पे फ्रेंड टोल्ड होता है। जब मैं पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा तब तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी पहले इसके हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो राजन सेड टू मोनी, तो राजन को राजन लिख लिया, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, राजन टोल्ड उसके बाद मोनी लिखेंगे, मोनी और कॉमा इंटर कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू, अभी मैंने बताया था यू जो है ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा, तो यू को जो है ऑब्जेक्ट यही मोनी है तो मोनी का अनुसार चेंज होगा, यानी कि यू को हटा करके आप मोनी लिख दो, सॉरी यहाँ मोनी लिखोगे, मोनी मोनी लिखोगे, या तो लड़की रहेगा सी और लड़का रहेगा तो ही लिख सकते हो, गलत नहीं रहेगा, नहीं तो बाकी जो यहाँ पे है वही चीज़ लिख दो, मोनी और यहाँ पे यू के साथ आर लगा था तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो यानी कि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ पास्ट में क्या लगेगा, ये पास्ट में बदल जाएगा, आर रहेगा तो वाज में हो जाएगा, तो वाज, उसके बाद जैसा लिखा वैसे लिख दो गुड गर्ल, ठीक है फ्रेंड्स, गुड गर्ल हो जाएगा। आगे समझ में, अब हम दूसरा देखेंगे, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे फ्रेंड्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। ये देखो क्या है डायरेक्ट, और यहाँ इधर वाला है इनडायरेक्ट, ध्यान देना कि मैंने क्या यहाँ लिखा हूँ, ये रूल है, इसको पूरा का पूरा लिख लेना तभी समझ में आएगा। अब देखो डायरेक्ट अगर रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट यानी कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस में बदल देना है, किसमें, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में उसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस बदल देना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में समझो एकदम शॉर्ट फॉर्म में देखो ट्रिक के माध्यम से, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर इनमें से कोई भी आएगा तो उसको निकाल करके वाज अथवा वर लगा देना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके फ्रेंड्स। दूसरा देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हैज आता है, जहाँ पे अभी मैंने दिखा था आर, आर के स्थान पे यानी कि हेल्पिंग जो वर्ब है, अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आ जाए या हैव आ जाए तो उसको निकाल करके आप हैड लगा देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे हैज या हैव आता है उसके साथ बिन भी आता है तो उसको निकाल करके हम लोग हैड बिन में कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। दूसरा देखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आएगा तो विल को निकाल करके विल का उड हो जाता है, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट, माइट का माइट, ऑट का ऑट, तो इस तरह जो हम लोग जो है टेंस को चेंज करते हैं। अभी और कुछ रूल हैं उसको मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा आपको एक एक पॉइंट जो है आपको याद करा दूंगा, रटा दूंगा आपको, जो कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं फ्रेंड्स, तो इसलिए शुरू से अंत तक जरूर ये वीडियो देखें, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस अगर आएगा, कहीं भी उसमें दिस आया रहेगा तो दिस को निकाल करके फ्रेंड हम लगा देंगे दैट, यानी कि जो नज़दीक रहेगा उसे हम दूर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको वहाँ पे दैट लगा देंगे, और अगर दिस रहेगा तो वहाँ पे दोज कर देंगे, अगर हियर रहेगा तो वहाँ पे देयर कर देंगे, अगर नाउ रहेगा तो देन कर देंगे, दस रहेगा तो सो कर देंगे, हैंस रहेगा देंस कर देंगे, टुडे रहेगा दैट डे कर देंगे, टुमारो रहेगा तो द प्रीवियस डे कर देंगे, टुमारो रहेगा द नेक्स्ट डे करते हैं, और
द नेक्स्ट डे, और स्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सारे के सारे चीज़ें लिख लेना आप, टुमारो का द नेक्स्ट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, ये सारा चीज़ आप लिख लेना, जिससे कि आपको कोई भी डाउट अगर इसमें रहे आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में हम सारे के सारे चीज़ आपको सॉल्व करके सिखाएंगे। लेकिन दो एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स डायरेक्ट में आपको दिया है कि मोहन सेज, डायरेक्ट में है मोहन सेज कॉमा इंटर कॉमा आई प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड। ये एक चीज़ आपको फ्रेंड इसको बहुत बारीकी से समझना, अगर ये देखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्रेंड बहुत बारीकी समझना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टेंस जो है जिस टेंस में रहेगा वही टेंस आपको लिखना है, जब यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो। ओके, तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। देखो इनडायरेक्ट हम बात करेंगे तो जैसे मोहन सेज है तो मोहन सेज हम लिख ही लेंगे, हमको रिपोर्टेड स्पीच देखना कौन से टेंस में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब चेंजिंग आप करोगे। ठीक है, अब देखो मोहन सेज है तो मोहन सेज क्योंकि देखो सेज है, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि एस आई एस लगा है वर्ब में, तो मोहन सेज। उसके बाद कंजेक्शन दैट का प्रयोग करोगे, यहाँ अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस है इसलिए दैट। उसके बाद ये देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमें किसके अनुसार बदलना है, अभी मैंने बताया था आपको सन अपॉन 123, तो यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसको जो है सब्जेक्ट अनुसार मोहन के अनुसार बदलना है, तो मोहन सेज दैट, तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, मोहन लिख दो या ही लिख दो, दोनों एक ही बात है, लड़का रहेगा मैंने बताया था ही हो जाएगा, लड़की रहेगा सी, नहीं तो ये जो नाम है अगर नाम रहेगा तो नाम को नाम ही लिख दो, तो क्या लिख दोगे मोहन, चलो छोड़ो मोहन हो गया। अब उसके बाद हमने बताया था इधर कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो लेकिन प्ले ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्लूरल यानी कि आई जो है हमेशा जो फर्स्ट आई जो है प्लूरल नाउन वर्ब लेता है, तो ये जो है और ये थर्ड पर्सन तो ये जो है सिंगुलर नाउन लेगा, यहाँ पे जो है वर्ब में एस आई एस लगाते हैं हम लोग सॉरी इन द फील्ड, ईएलडी। ठीक है, आगे समझ में, एक आप और देखते हैं, जैसे दिया है कि सोहन विल से, याद रखना जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट में दिया है सोहन या शिवानी लिख लो, शिवानी विल से शिवानी विल से टू हर थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, से टू हर कॉमा इंटर कॉमा यू आर माई टू फ्रेंड यहाँ लिख देता हूँ टू फ्रेंड। ओके, अब इसका अगर हम बात करते हैं, इसमें देखो जो इधर वाले वर्ड हैं पूरे यू आर माई टू फ्रेंड्स, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच है, और यहाँ कॉमा इंटर कॉमा के बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे
रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब ही हमको देखना है और दोनों को देखना है, यानी पहले ये देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, किस टेंस में है। तो शिवानी विल से, तो ये क्या है ये भी जो है फ्यूचर टेंस में है, विल आ गया यानी फ्यूचर टेंस में है। मैंने अभी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, टेंस नहीं बदलेंगे और बाकी जो चेंजिंग करते वो करेंगे। अब देखो शिवानी विल से टू हर, तो लेकिन अगर यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा, टू के बाद कोई वर्ड आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो जो सेज टू के स्थान पे या से टू के स्थान पे हम लोग टेल्स कर देते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वही लिख देंगे, से का से ही लिखेंगे, ठीक है, सेज का सेज ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आया तो यानी कि सेज और टू के स्थान पे हम लोग टेल्स रखेंगे, याद रखना, ठीक है। अब इसका हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट में पहले क्या लिखेंगे, शिवानी शिवानी विल से सॉरी विल टेल विल टेल हर। अब देखो पूरा हट गया, से टू हर हट गया, यहाँ टेल लिखेंगे, शिवानी विल टेल हर, उसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, दैट यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ठीक है सी। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ हमें जो है टेंस नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है, हमने बताया था ये क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में था इसलिए रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो सी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे यू के साथ आर लगता था कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये सिंगुलर नाउन यहाँ इज लगेगा, इज माई सॉरी यहाँ पे देखो यू के यहाँ माई है, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा शिवानी, तो शिवानी जो है शिवानी के अनुसार क्या लगाएंगे हम, हर, क्या लगाएंगे, हर हर टू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, ओके। तो इस तरह जो है इसका पैसुएस बना देंगे। एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच इनवर्सल टूथ हो, क्या हो, इनवर्सल टूथ यानी कि सदा सत्य वाली बात जो हमेशा सत्य होती है, कभी बदलती नहीं है, तो उसका भी जो है हम उसके भी जो है टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जैसे कहा जाए कि द टीचर सेड टू द बॉय द सन राइजेज इन द ईस्ट, अध्यापक ने बच्चों से कहा सूरज पूरब में उगता है, तो इसके भी फ्रेंड्स ये जो साथ यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य वाली बात है, ये कभी जो बदलता नहीं है, हमेशा जो पूरब, अगर ये सत्य वाली बात है, अगर सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में ही उगेगा, पश्चिम में नहीं उगेगा, ठीक है। तो इसका भी ये भी जो है चेंज नहीं होगा, इसका भी टेंस नहीं चेंज होगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ में होगा। तो अगर कहा जाए राहुल सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो ये भी जो है क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा कहेंगे अगर कहा जाए द रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये भी सही बात है फ्रेंड्स, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो कुत्ता होता है वो अजनबी के ऊपर भौंकता है, जिसको नहीं जानता उसी के ऊपर भौंकता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे, यानी कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हम लोग बदलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से सारे चीज़ को बेहतर ढंग से समझेंगे, इसमें सारे रूल को हम लोग कंसेप्ट को समझें। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके स्क्रीन पे पहुंच जाए। ओके थैंक्स।